आज हम पढ़ेंगे वेरी लार्ज नंबर। ये क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1 में है। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले चैप्टर में कुछ डिफिनेशन दिए गए हैं, जिसमें से डिजिट है, नंबर है, न्यूमेरल है और प्लेस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस डिफिनेशन को आप लोग याद करके कर लीजिएगा। और साथ में जो है ये जितने सारे डिफिनेशन है ये आपके बुक में फर्स्ट पेज पे जो है मिलेंगे। तो हम देखेंगे डिजिट। तो डिजिट इज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। डिजिट जो है मैथमेटिक्स का जो है वो क्या है, मेन तत्व है, यानी बेसिक है, आधार है। यहाँ सेकेंड में जो है नंबर। ए नंबर इज ए वर्ड और सिंबल दैट रिप्रेजेंट एन अमाउंट और क्वालिटी। नंबर जो है ये क्या है, एक प्रकार का साइन है, इसको सिंबल्स मानेंगे, जो किसे रिप्रेजेंट करता है, तो अमाउंट और क्वालिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है कि ये मात्रा में, ये जो है कितनी मात्रा में है, 4 kg, 5 kg, ये सारी जो है ये क्या करता है, अमाउंट एंड क्वालिटी के क्वांटिटी के बारे में जो है ये दिखाता है। अब देखेंगे न्यूमेरल। न्यूमेरल जो है एक न्यूमेरल इज ए सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ए नंबर। ये क्या करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। ये एक नंबर का क्या होता है, ये ग्रुप होता है। यहाँ देखेंगे प्लेस। एवरी नंबर इज मेड ऑफ डिजिट, ईच डिजिट इन ए नंबर है सर्टेन पोजिशन कॉल्ड प्लेस। प्रत्येक नंबर जो है वो किससे बना होता है, डिजिट से। और ये डिजिट जो है इसका एक निश्चित पोजीशन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस बोलते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि लार्ज नंबर, इसके पहले हम लोगों ने 1, 10, 100, 1000 तक पढ़े होंगे। अब इसके बाद जो है हमें लाख तक पढ़ना है। अब आगे हम देखेंगे। तो हमने बैक क्लास में जो है 10,000 तक पढ़े, लेकिन आज जो है ये फिफ्थ क्लास में आप लोगों को लाख तक मिलेगा। इसमें जो है ये चीज़ हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाइक्स। अगर ये नहीं याद रहेगा तो जो हमारा न्यूमेरल्स है, जो नंबर नेम्स है, ये जो है नहीं बन पाएंगे, कभी भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए इसको याद करना काफ़ी ज़रूरी है। अब हम एक्सरसाइज में देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग को एक्सरसाइज का PDF जो है आप लोग के ग्रुप में जो है मिल जाएगा। यहाँ देखिए, राइट द फ्लोइंग इन न्यूमेरल यूजिंग कॉमास। पहला नंबर जो है ये क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में जो है, हर क्वेश्चन का मैं एक एक बता रहा हूँ, बाकी जो है आप लोग अपने से खुद से बनाइएगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा है कि न्यूमेरल यूजिंग, न्यूमेरल में लिखना है और साथ में क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तो क्या कर रहा है, 3 lakh, यानी यहाँ देखिए 3 lakh 19 का अर्थ क्या होता है, 19,000 ये हो गया। फिर 500 यानी कॉमा 500 क्या कर रहा है, 50 कर रहा है। तो 550 यानी इसको ऐसे ही बनाना है, आप लोग जो है ऐसे ही बनाइएगा आगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कहता है प्लेस एंड प्लेस वैल्यू निकालना है। पिछले वाले कक्षा में भी आप लोगों ने इसे निकाला होगा, बट इसमें जो है आप लोगों को लाइक तक मिलेगा। यहाँ देखते हैं प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। जैसा कि हमने बताया कि जब तक ये याद नहीं होगा तब तक ये जो है प्लेस एंड प्लेस वैल्यू भी आपसे नहीं बनेगा। तो पहले यहाँ देखेंगे ये क्या है, 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है। इसका क्या है, 1000 है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 1000, ठीक है। अब इसका 1000 है तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 है तो 2 × 1000 में कितना, 2000 यानी इसका क्या निकलेगा, प्लेस वैल्यू 2000। ऐसे ही जो है इसको बनाना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है कि राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फ्लोइंग यानी नंबर्स नेम लिखना है। तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको पहले से ही बना दिया है, ध्यान से देखिएगा।
ये कह रहा है कि इसका नंबर्स नेम्स लिखना है, तो नंबर्स नेम्स हम पढ़ेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, कितने लैख, टू लैख, तो यहाँ क्या हो गया, टू लैख। उसके बाद फिर पढ़ेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड का मतलब ट्वेल्व थाउजेंड, तो ट्वेल्व थाउजेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये दो, इतना का काम खत्म, फिर यहाँ से फिर काउंट करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड, कितना हंड्रेड, सेवन हंड्रेड, तो यहाँ हम लोग सेवन हंड्रेड लिखें। उसके बाद से क्या है, ये दोनों को क्या बोलते हैं, नाइनटीन, सेवन हंड्रेड यहाँ नाइनटीन हो गया। अगला जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में जो है आप लोगों को सेम है वैसे ही नंबर्स नेम लिखने होंगे, बट इसमें जो है आप लोग को कॉमा नहीं दिया हुआ है, इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कॉमा लगाना है, साथ में जो है नंबर नेम्स लिखना है, ठीक है। आगे जो है हम जो है आपको जो है एक्सरसाइज ए वन का जो वन का जो ए है उसका जो पीडीएफ है हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है सेंड कर देंगे। अगर ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड तक नहीं पहुंचा हो तो कृपया कर ग्रुप में आप उनका नंबर जो है ऐड करा दें, और ये जो वीडियो है उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन्स को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।